ऑलराइट गाइस, दिस इज मी अमादली फ्रॉम नाइट कॉलर्स। और इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि डेटा को हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फाइंड मेथड को देखा था और फाइंड वन मेथड को देखा था। हमने डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस किया था जिसमें सिंपल डॉक्यूमेंट्स थे, अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट थे, अरेज थे और सिंपल ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, इन हर तरह के डॉक्यूमेंट को हमने क्वेरी किया था और हमने मल्टीपल कंडीशन लगाकर डॉक्यूमेंट को फाइंड किया था। अब कुछ मेथड है हमारे पास इस वीडियो में जिसको हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सॉर्ट का मेथड है, फाइंड का मेथड है और लिमिट का मेथड है। और इसके अलावा जो हमारे पास दीगर मेथड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो है काउंट का। ठीक है, जिस तरह सपोज डॉक्यूमेंट्स को मैं काउंट करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट मेरे पास कितने हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है कि 16 डॉक्यूमेंट हैं टोटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, डीबी डॉट, ठीक है, पर्सन मेरे जो कलेक्शन का नेम है एंड देन मैं लिखता हूँ काउंट। ठीक है, सो काउंट का फंक्शन क्या करेगा आपका, ये रिटर्न करेगा, बट ये कुछ टाइम तक अवेलेबल था, अब ये डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करता है कि डी बी डॉट पर्सन डॉट काउंट से ये आपको रिटर्न कर देगा, यानी 16 डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ देख सकते हैं। बट ये मेथड अभी ज़्यादातर जो वर्जन है उनमें डुप्लीकेटेड है। सो आप डी बी डॉट पर्सन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट का जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काउंट डॉक्यूमेंट्स का मेथड आप यूज़ करके वहाँ से भी आप ये सेम रिजल्ट गेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली सिंपली काउंट करने का। इसके अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ कि मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे मैंने अगर चेक करना है कि जैसे मैंने कहा डी बी डॉट पर्सन डॉट फाइंड, मैंने कहा फाइंड और फाइंड करो कि जहाँ पर नेम है स्मिथ, ठीक है, और उनको काउंट करो। अगर मैं इस तरह से कहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ कि जहाँ पर नेम स्मिथ है, कोई आपने स्पेसिफिक कंडीशन दे दी उसको आपने काउंट किया, तो ये मुझे रिटर्न करे कि इस तरह का एक रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, सो आप इस तरह से भी फाइंड जो मेथड है, सॉरी जो काउंट मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट का। सॉर्ट का जो मेथड है बेसिकली उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखें सिंपल डी बी डॉट पर्सन डॉट फाइंड और मैं फाइंड ऑल करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब सॉर्ट के अंदर आप पैरामीटर पास करते हैं कि आपने किस चीज़ से इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, लेट सपोज मैं नेम से सॉर्ट करता हूँ, मैंने नेम लिखा और यहाँ पर वन लिख दिया। ठीक है, वन का मतलब होता है ट्रू, यानी इन ऑर्डर। ठीक है, तो अब सिंपली टॉप डाउन ये होता है, यानी ए से स्टार्ट होता है जेड तक जाता है। ठीक है, और मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पर सिंपली अगर ऊपर जाऊँ और मैं आपको नेम से दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ये जो नेम है मेरे पास ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये इस तरह से मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो जनरेट करेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप जैसे मैंने यहाँ पर वन दिया पिछले कमांड में, ठीक है, आप अगर यहाँ पर माइनस वन कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूमेरिक वैल्यू से भी सॉर्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने एज से कहा और वन किया, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड मेरे पास जो मेथड है वो है लिमिट का। लिमिट क्या हो गया, जैसे सपोज मैं कहता हूँ डी बी डॉट पर्सन डॉट फाइंड और मुझे लिमिट करना है फर्स्ट टू रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैंने डॉट लिमिट रखा और उसके अंदर टू का पैरामीटर मैंने पास कर दिया, एंटर करूँगा तो ये फर्स्ट जो मेरे पास दो रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिटर्न करेगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर इसको चेक करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं डी बी डॉट पर्सन डॉट फाइंड। ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने अगेन लिखा नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मिथ। ठीक है, जो फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा मूवमेंट होता है मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ और डॉट मैं लिख देता हूँ लिमिट। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास स्मिथ नाम बहुत ज़्यादा है 50 नेम्स है, तो मैंने उसको लिमिट कर दिया, जो फर्स्ट दो रिकॉर्ड्स होंगे वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन चूंकि मेरे पास स्मिथ के नाम से एक ही रिकॉर्ड है सो उसने वो एक रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो ये था सिंपली मेरे पास लिमिट का। ठीक है, सो काउंट सॉर्ट और लिमिट ये दो तीन तरीके हैं हमारे पास बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फाइंड के साथ। इसके अलावा आप इन तीनों की चेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा डी बी डॉट पर्सन डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड के अंदर मैंने तमाम को फाइंड किया और डॉट मैंने यहाँ पर लिखा सॉर्ट। सॉर्ट मैंने इनको किया सपोज नेम के साथ और असेंडिंग ऑर्डर में किया वन के साथ, और डॉट मैंने लिमिट भी किया इसको थ्री तक। ठीक हो गया,
ये क्या करेगा कि सॉर्ट कर देगा, पहले सारों को फाइंड करेगा, फिर सॉर्ट कर देगा नेम के नेम नेम को लेके, और उसके बाद 3 तक इसको लिमिट कर देगा। सो मैं एंटर करता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट 3 रिकॉर्ड जो होंगे उनको ये प्रिंट आउट करेगा और ये सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। सो होप गाइस कि ये तीनों मेथड आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, बाय।